गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल पॉलिटिकल। तो फाइनली गाइज, आफ्टर दिल्ली का कंप्लीशन कैंसिलेशन ऑफ लद्दाख के बाद एक छोटा सा प्लान हुआ, जैसे मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में शेयर किया था कि देवकुंड जाऊंगा, लेकिन एक्चुअली बहुत ज़्यादा बारिश, अगर आप पीछे देख रहे हो बहुत घनी बारिश हो रही है ऑलरेडी पुणे में, नियर बाय पुणे, तो कुछ चीज़ें बंद है, तो देवकुंड अभी ऑलरेडी ओवरफ्लो चल रहा है, इसलिए हम नहीं जा सकते हैं देवकुंड में। अभी जो मैंने फेसबुक पे अपडेट किया था कि हम बहुत से लोग साथ में जाएंगे, यानी कि जो भी ज्वाइन करना चाहता है, और इसके आगे की बहुत से ट्रिप ऐसी होगी कि जो मेरे साथ ज्वाइन करेगा उनके साथ में जाऊंगा, तो अभी देखते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो अभी मैं जा रहा हूँ खजीना वाटरफॉल के लिए, क्योंकि देवकुंड के बाद जो अनसीन प्लेस है वहाँ जाने का प्लान था, लेकिन वो प्लान कैंसिल करके वी आर गोइंग टू द खजीना वाटरफॉल। यहाँ पे मैं आई एम द फर्स्ट यूट्यूबर कि मैं खजीना वाटरफॉल जा रहा हूँ फॉर एक्सप्लोर, एक्चुअली तामिनी घाट की तरफ जाऊँगा, तो देवकुंड के पास ही ये खजीना वाटरफॉल है। अभी आप देखोगे मेरे साथ क्या क्या है वहाँ पे, कैसा वाटरफॉल है फर्स्ट टाइम खुली। जैसे कि जब भी तामिनी की तरफ मूछी की तरफ जाते हैं तो अपन रुकते हैं श्रीपाद मिसल पे, तो आज भी रुके, लेकिन यहाँ पे आज मिसल नहीं खाएंगे, चलिए बहुत देर हो चुका है नॉर्मली। तो गाइस फाइनली अभी जो आप लोकेशन देख रहे हो मेरे चारों साइड में, ये लोकेशन ऑलरेडी मैं यहाँ पे दो चार बार आ चुका हूँ, और लोकेशन चेंज हो चुका है। जब लोकेशन चेंज करने का एक ही रीज़न है, एक्चुअली जब हम मुंशी जा रहे थे आगे जा रहे थे, तो वहाँ पे हमें जाने नहीं दिया पुलिस वालों ने कि बंद है, सैटरडे संडे जैसे पता है आपको लॉकडाउन है, तो जहाँ बाहर नहीं जा सकते। लेकिन अभी वापस इसी लोकेशन पर आ रहा, और यहाँ पर कम से कम 3 से 4 स्पॉट अच्छे अच्छे इस रास्ते से आप आके इन्जॉय कर सकते हो। अभी मैं आपको बताता, अभी आप तो पीछे देख रहे हो, ये भी एक पूरा एक तालाब है छोटा सा, तो गाइस फाइनली अभी हम आ चुके हैं एक ऐसी प्लेस अनसीन प्लेस पे। तो जैसे कि आपको मैं बताते रहता हूँ कि आज एक्चुअली प्लान था अनसीन प्लेस पे जाने का, फर्स्ट यूट्यूबर ही मैं वहाँ पे भी जाने वाला था, लेकिन वो बंद होने के कारण नहीं जा पाए, तो अभी मैं जहाँ पे आया हूँ ये भी एक अनसीन पे हूँ, साथ में उनके साथ चलते हो, थोड़ा सा देख के तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है आराम से। अभी मैं मेरी बेटी को कैरी करता हूँ मेरे साथ में, और वहाँ पर जाके आपसे बात करता हूँ वापस से। और ये ऐसे छोटे छोटे जो चीज़ें हैं ना, ये देख के इसी में एक खुशी मिलती है। तो गाइज ये जो प्लेस है, इसको भी आप अनसीन अनएक्सप्लोर ऐसा स्पेस बोल सकते हो थोड़ा सा। ये जो यहाँ पे आप एक या दो लोग मत आइए, कम से कम साथ में आपके 5-6-7-8 लोग होने चाहिए, क्योंकि एकदम ही आप अनसीन प्लेस पे हो, यहाँ पे कुछ ज़्यादा अवेलेबिलिटी भी नहीं है खाने का वगैरह, तो देखना पड़ेगा आपको। ये देखिए ऐसे वाटरफॉल्स, इसे कौन नहीं देखना चाहेगा। ये आप जो देख रहे हो ना, ये मेरी नन्ही सी बेटी परी, ये जा रही है, इसको भी आज इसका फर्स्ट ट्रैक है, तो मैंने बोला चलो, क्योंकि अभी क्या है घूमना है तो इसके साथ भी घूमना ही पड़ेगा आगे, चलो इसको भी थोड़ा देखते हैं क्या है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही है, यही देख के मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और अभी गाइज आप ज्वाइन करिए मुझे, मैं ट्राई करता हूँ कि ऐसे ही प्लेस पर लेके जाओ किसी को अनटच प्लेस बहुत सी, ठीक है, रास्ता ख़राब होता है इसी में तो मजा है, अगर आपको पीस चाहिए तो ये सब चीज़ें आपको झेलनी पड़ती थोड़ी बहुत, बस। तो देखते हैं, अभी छोटा सा है ये नज़ारा देखने के लिए इसी जगह पे आना ही पड़ता है। और ये देखिए चारों तरफ से पहाड़ी पहाड़, और अभी मैं बीच में, आप इधर भी जा रहे हो तो इधर भी देखिए आपको पूरे छोटे छोटे वाटरफॉल्स मिलेंगे, इधर भी देखिए वाटरफॉल्स। और अभी हम इस रास्ते से होकर, इस जंगल से होकर हम जाने वाले हैं नीचे, और वहाँ पे मिलेगा हमें, वहाँ पे मिलेगा हमको छोटा सा ऐसा एक वाटरफॉल। वहाँ पे एक्चुअली छोटा डैम है, डैम बनाया हुआ है, कि एक्चुअली ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की होते जा रहा है, डेंजरस पैचेस आते जा रहे हैं बीच में। अभी एक्चुअली मुझे चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर पानी तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन आराम से इसको क्रॉस करना है। अरे मेरा कितना पैर यहाँ पर दिखता है, मैं आपको देखता हूँ, और इन सब लोगों को यहाँ से अभी क्रॉस कराना है।
जहाँ पे पहुँचना था वहाँ पे पहुँच चुके हैं, और ये रहा वो डेस्टिनेशन। इस ब्लॉक का नाम शायद एंड ऑफ द रोड ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे पहुँच चुका है, पानी बहुत ही ज़्यादा आ चुका है यहाँ पे। अगर आप देख सकते कुछ आपको इसके जो फुटेज है आपको बताता हूँ। छोटा सा डैम है यहाँ पे, और इसके आगे कुछ भी नहीं है। अगर आप चारों तरफ से देखोगे तो अभी पूरा यहाँ पे कोई रोड नहीं है। यहाँ पे आने तक हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ चुका है, और ये हमारे कार को भी और हमारे पैरों को भी। और ये रहा छोटा सा डैम, और ये है चारों साइड से वाटरफॉल्स है यहाँ पे। देखिए ये भी बहुत ही बड़ा वाटरफॉल है सर, मुझे कैमरा में पता नहीं इस साइड में देखोगे तो देखिए ये भी वाटरफॉल ही है सारे। और ये जो है ये है राइस की खेती, राइस की खेती, चावल की खेती है ये। इस जगह पे पूरे चावल ही बनते हैं। अभी देखते कहाँ तक जा सकते हैं। तो ये कुछ चप्पल खोने के गम में रो रहा है प्रसाद। अरे हाथ गल हाथ हाथ गल हाथ त्याच्या मध्ये शूज घालायचे, कुठे बाहेर पडताना शूज घालायचे। हे 300 गप रडत रडत दादा हात धरावा लागलाय इतना खालन काय आहे का इथे वगैरे लागली लागली। तो ये दाखो चप्पल, दाखो कैमरा में चप्पल, देखिए दिखाइए आप हमें। और इनकी चप्पल मिल गई है, तो गाइस चप्पल पहन के मत आइए। अरे तू भी ठेव दे, शू दे तुझ्याकडे, जरा जरा काहीतरी एक्सट्रीम कर लाइफ मध्ये। तो अभी हम रुके हैं अंधड़ी गांव में। ये रीहे क्रॉस करने के बाद में फिर आप खाम्बोली लगता है, फिर ये गांव है। फिर आप थोड़ा आगे आने के बाद रास्ता बहुत ख़राब है शायद से, आप पता नहीं कार से पैर फंस गया था अंदर, इसका ही पैर फंस गया था अंदर। अरे विनीत आज एक्चुअली फैमिली ट्रिप ही है, लेकिन इसकी इस साइड से आज इसकी भी वाइफ आई है साथ में। लेकिन आपको पता है हर ब्लॉग में ही रहता है मेरे साथ मिस्टर विनीत, ज्वाइन किया है नए एक फ्रेंड है महेश ने, तो देखते हैं आगे भी शायद से कंटिन्यू ज्वाइन करेगा महेश हमें। और हर फोर्ट पे वापस अभी क्या जो ट्रिप नहीं हुई है अभी तो बारिश में बहुत। ऊपर लग जाता ना इसका मेन कवर तो नहीं हो पाता है मैनेज, तो मैंने क्या किया ये देख रहे हो आप, माइक जो है माइक है मेरे मोबाइल से, और मेरे मोबाइल में मैंने किया है रिकॉर्डिंग ऑन किया है मैंने मेरे मोबाइल में। अब मैं क्या करूँगा रिकॉर्डिंग मैच करूँगा, तो देखा है मैंने कि कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है चलता है क्या दिक्कत है। और बस इसलिए कि वो वॉइस मैच होनी चाहिए और मेरा इमोशन भी आने चाहिए, तो मैं बस शॉट लूँगा। फिर मुझे ना उसमें ज़्यादा बिलीफ नहीं है कि ओ वॉइस ओवर करो, क्योंकि जो एक्चुअल में जो अपना इमोशंस निकलते हैं ना वो अभी निकलते हैं। अभी मेरी बच्ची रो रही है क्योंकि ये जो पैच है ये बहुत ही खतरनाक पैचेस है। आपको मैं बताता हूँ, आप देखिए ये पैचेस, और ये पैचेस देखिए, अभी इस पैचेस से जाना है तो मैं देखता हूँ क्या होता है। चलो अभी नीचे जाके मिलता हूँ मैं आपको पहले। फाइनली गाइज हम आ चुके हैं नीचे, जो ये छोटा सा वाटरफॉल बोल सकते हैं, और एक वाटरफॉल इससे ज़्यादा मेरे को उम्मीद थी इस वाटरफॉल की, लेकिन इस वाटरफॉल में ही मुझे थोड़ा सा अभी
एंजॉय करना पड़ेगा। देखते हैं अभी नीचे उधर देखे तो यहाँ से यहाँ से वाह वाह बहुत ही बढ़िया ऐसा ये वाटरफॉल है। और ये देखिए हमारे चिन्नी मुन्ने क्यों कर रहे हैं मजे यहाँ पे। और ये देखिए एकदम तो गाइज फाइनली जो ये अनसीन प्लेस है इसका एंड तो नहीं बोल सकते लेकिन ऑलमोस्ट नियरेस्ट आ चुका है। अभी एक जो वाटरफॉल है उसको मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए आपको पीछे थोड़ा सा दिख रहा है, अभी वहाँ पहुँचना है तो मैं आपको अभी थोड़ा सा झूम करके उसका थोड़ा आइडिया देता हूँ उस वाटरफॉल के बारे में। ये कोई इसको कुछ नाम नहीं है लेकिन अनसीन वाटरफॉल बहुत ही बढ़िया है, लंबा वाटरफॉल है। वहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं तो आपको कुछ बताता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें वहाँ पर है क्या। और अभी नीचे गाड़ी नहीं जा सकती, कुछ पुल टूटा है ऐसा बताया तो देखता हूँ, मैं खुद ही चल के जा रहा हूँ तो देखता हूँ क्या मिलता है। इसके पहले जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो कार ऑलमोस्ट एक्चुअली ऊपर जाने के लिए और रोड है यहाँ पे, ऊपर कोई मंदिर है। लास्ट टाइम आया था मेरी कार फंस गई थी तो मैंने वापस दुबस लेकर इधर आया, लेकिन अभी कार यहाँ तक भी नहीं आया, ऊपर ही पार किया था। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये ब्रिज पूरा टूटा हुआ है और अभी जाने की कोशिश है वहाँ तक तो जाते, क्योंकि ब्रिज ही टूटा है, यहाँ से थोड़ा क्रॉस करके आगे से वहाँ से पैदल का रास्ता है। डर यही है कि थोड़ी देर में बारिश, तो अभी कुछ माहौल तो नहीं है लेकिन जाने की कोशिश करते हैं वहाँ पर पहुँचते हैं। और बहुत ही ज़्यादा फ्लो से ये रिवर बह रही है, देखिए अभी ये जो पानी है ना ये नॉर्मली क्लियर वाटर होता है लेकिन अभी जस्ट बारिश हो रही है जोर होती है, तो जो मिट्टी होती है पहली मिट्टी वही सब मिट्टी पहले आती है फिर नॉर्मल वाटर होता है। अभी वो देख लो ये जो वाटरफॉल देख रहे हो, देखो इसका इसका पानी क्लियर है, ये अभी ऊपर से आ रहा है, ये अभी नदी का जो पानी है पूरा, ये देखिए ये जो कटा ये कटा हुआ है, ये जो भी काट है ना इसका ये सब उसकी वजह से रेड कलर का वाटर हो रहा है। लेकिन कुछ दिनों बाद 8 दिन बाद 4 दिन बाद ये भी वाटर पूरा क्लियर क्रिस्टल क्लियर हो ही जाता है। अभी ये देखिए नॉर्मल अभी ऐसा पानी आ रहा है, अभी ये भी पानी ऐसा ही दिखता है उस टाइम, ये डिफरेंस है। और गाइस इसी में मज़ा है। अभी देखिए ना आज कुछ ट्रैक नहीं है लेकिन अनटच प्लेसेस में जाने की कोशिश हो रही है कि यहाँ पे बहुत से लोग नहीं आए, लेकिन अभी ये जो आप आगे सामने मेरे वाटरफॉल देख रहे हो ना ये बहुत ही देखो अभी शायद से आवाज़ आ ही रहा होगा, बहुत ही बड़ा और वाटरफॉल है। एक्चुअली बारिश बहुत जोरों की हो रही है इसलिए इस वाटरफॉल ने भी अच्छा फोर्स ले लिया है और उसी फोर्स के कारण वो जो पुल था पीछे वो भी टूट गया है, नहीं तो कार ऑलमोस्ट आती है। ठीक है थोड़ा ही चलना पड़ा, एक 5 से 10 मिनट में मेन रोड से आप नीचे आ सकते हो और इसी वाटरफॉल देखिए प्रेशर देखिए प्रेशर ये इसी में मज़ा है। और ये दिख रहा है अभी को वाटरफॉल आगे यहाँ तक ही पहुँचना है, कुछ सिनेमैटिक शॉट लेने की कोशिश करता हूँ मैं। तीनों तरफ से पानी आ रहा है, मज़ा आ रहा है गाइस लेकिन एंजॉय। अभी वहाँ पे कुछ सिनेमैटिक शॉट लेते हैं, बहुत ही रुद्र रूप ऐसा इस वाटरफॉल ने लिया। लास्ट टाइम आप मेरे फोटोज़ हैं ना आप यहाँ पर भी देख सकते हो इसके, लेकिन अभी सोच भी नहीं सकते वहाँ पर जाना, उसका प्रेशर देखिए आप, प्रेशर देखिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है। देखते हैं कितना नज़दीक जा सकते हैं उसके ट्रैकर था। और ये देखिए थोड़ा स्लिपरी भी है तो थोड़ा थोड़ा धीमे चलना पड़ रहा है, संभल के गए जब भी जाओ। ये देखिए फोर्स देखिए फोर्स यार बहुत ही, यानी कि मैं तो 3-4 बार आ चुका हूँ यहाँ पे लेकिन आज जो फोर्स मुझे इस वाटरफॉल पर देखने को मिल रहा है ना इसके पहले नहीं मिल रहा। ये उसके साइड से और चल रहे हैं गाइस। बस आपको एक सलाह दूंगा इस वाटरफॉल के नज़दीक मत जाइए, बहुत ज़्यादा फ्लो है इसका, इट इज़ नॉट ईजी, थोड़ा भी गलत पैर होता है तो आप चांसेस और ट्रिक जिसको अच्छे से पता है कैसे ऊपर चढ़ना है क्या है उन्हीं लोगों ने ये सब चीज़ें साइड से जाना चाहिए। क्योंकि हम भी अभी देखो वाटरफॉल कहाँ पर है और देखिए मैं कहाँ से चल रहा हूँ, थोड़ा रास्ता उधर उधर है लेकिन संभल के चलना पड़ता है रास्ते से, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस
अभी तो दिख रहा है, मैं आ चुका हूँ, लेकिन इतना रोते रो मैंने इसके पहले तो नहीं देखा इसका वाटरफॉल। और अभी ऊपर से इसका जोश मज़ा आने वाला है ना, शॉट देखने ऊपर से वो से कम वाटरफॉल देखने को मिलते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। तो यही एक वाटरफॉल है जो मुझे देखिए, अभी मैं हूँ एकदम अप साइड में जहाँ से ये पानी आ रहा है। और अभी ये देखिए यानी कि हाँ ये नहीं होता है, हर बार नहीं हर वाटरफॉल के आप जो टॉप होता है वहाँ पे नहीं जा, यहाँ पे मैं आ सकूँ। ऐसा मत कीजिए गाइस, हमारा प्लान चल रहा था लेकिन ये सब देख के आसान नहीं है वहाँ तक पहुँचना, और इजी भी नहीं है, करेंगे भी नहीं हम, यहीं से हम उसका मजा लेंगे और थोड़ा आप जाते और टॉप का मजा लेते। और ये जो फ्लो से पानी आ रहा है बहुत ही ज़्यादा फ्लो से पानी आ रहा है बहुत। और ये देखिए ये वाटर आ रहा है एक्चुअली यहाँ से, ये जो आप पीछे देख रहे हो ना ये तालाब और इसी से निकल रहे हैं ये दो फ्लो, और इसी में दूर से जो आप लास्ट गए थे वहाँ से पानी बहता आ रहा है। और ये देखिए क्या नज़ारा है वाह, बहुत ही बड़ा। और यार एक्चुअली लास्ट टाइम जब आया था ना गाइस मैं तो ये पानी था लेकिन इतना फ्लो से नहीं था जितना भी, तो मैं ये यहाँ से ऐसा चढ़ते ये यहाँ तक ऊपर तक आया था, फिर यहाँ से इस साइड में भी बैठा था, इस साइड में गया था जहाँ पे ये बंदा है ये उधर गया वो महेशी है उधर, तो वहाँ पे भी मैं गया था। और ये फ्लो देखिए यार, फ्लो देखिए क्या फ्लो से पानी आ रहा है, यानी कि नॉर्मली ये जगह से अगर पानी आता लेकिन इतना ऊपर से इतना पानी आ रहा है, बारिश है उस साइड में देखिए, ये देखिए उस साइड में पूरा बारिश हो रहा है ना, उसी का फ्लो ये अभी इधर उधर से हो रहा है।